हाय एवरीवन, मैं हूं जेसन रवि, सत्य और सिनेमा की आवाज और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम मिशन मजनू का रिव्यू करेंगे जो हाल ही में नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई है। ये स्टोरी 1971 में बेस्ड है। 1971 वॉर में बुरी तरह हारने के बाद पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है और भारत पर न्यूक्लियर अटैक प्लान कर रहा है। इंडिया को जवाब देने का वक्त आ गया। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी को जब ये पता चलता है तो रॉ एजेंट अमनदीप सिंह यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा को भेजते हैं एज अ स्पाई ये प्लान रोकने के लिए। Give him the mission. India is counting on him. पाकिस्तान में अमनदीप तारिक अली के नाम से रहने लगता है। ये मिशन में उसके साथ है रमन सिंह उर्फ मौलवी यानी के कुमुद मिश्रा, असलम उस्मानिया यानी के शारिफ हाशमी। रश्मिका के कैरेक्टर के साथ पहले ही नजर में प्यार होने के बाद अमनदीप उसे शादी कर लेता है। वो दोनों की जोड़ी कमाल की लग रही है, नेचुरल लग रही है। मुझको हक है कि नजर भर के मैं तुम्हें देखूंगा। आखिर को मेरी जान, मैं शौहर हूं तुम्हारा। शादी की लाइफ और मिशन दोनों चीजें हैंडल करना अमनदीप के लिए मुश्किलें खड़ी करते थे। हमको पता लगता है कि अमनदीप के पापा ने इंडिया को धोखा दिया था, वो एक गद्दार थे। क्या ये सेम चीज रिपीट होने वाली है अमनदीप के साथ? क्या वो ये मिशन सक्सेसफुली खत्म कर पाएगा और मिशन खत्म हो जाने के बाद उसकी बीवी और बच्चों का क्या होगा? ये देखने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी नेटफ्लिक्स पर। फिल्म को डायरेक्ट किया है शांतनु बागची ने। उनकी डेब्यू फिल्म होने के बावजूद उनका डायरेक्शन लाजवाब। फिल्म को प्रोड्यूस किया है रॉनी स्क्रूवाला, अमर बुताला और गरिमा मेहता ने। परवेश शेख और असीम अरोरा ने एक ऐसी फिल्म लिखी है जो बहुत वेल पेस्ड है, नो नॉनसेंस है, एंटरटेनिंग है और खास करके इस फिल्म की एंडिंग बहुत ही ज्यादा इंटेंस है। उनका स्क्रीन प्ले आपको एंड तक बांधे रखेगा। एज अ स्पाई सिद्धार्थ की बॉडी लैंग्वेज कमाल की है। जासूस हूं, मुंशी नहीं। उसका परफॉर्मेंस अमेजिंग है। उसके अलावा शारिफ हाशमी, कुमुद मिश्रा, रश्मिका मंदाना और जाकिर हुसैन सभी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। एक्शन सीन्स की बात करें तो वो शानदार है। सिद्धार्थ को हमने द जेंटलमैन और शेरशाह जैसी फिल्मों में अमेजिंग एक्शन परफॉर्म करते हुए देखा है और इस फिल्म में भी आप उससे सेम चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो। ट्रेन में शूट की गई फाइट सीक्वेंस को कमाल की है। अगर कुछ नीट पिकिंग करनी है तो वो होगा इस फिल्म का VFX जो कुछ कुछ जगह पर हमको इंप्रेस नहीं कर पाता और डेफिनेटली थोड़ा बेटर हो सकता था। फिल्म के एंड में सोनू निगम का सॉन्ग इस फिल्म की हाईलाइट है, आपको डेफिनेटली इमोशनल कर देगी और देशभक्ति की भावना जगाएगी। ओवरऑल ये फिल्म एक नो नॉनसेंस वेल पेस्ड स्पाई थ्रिलर है। फिल्म कब शुरू होकर खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। हमारे हिसाब से ये फिल्म आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए, इट्स अ मस्ट वॉच। सो वेल फ्रेंड्स, ये था मिशन मजनू फिल्म का रिव्यू आपके लिए। कैसा लगा ये कमेंट्स में बताना। अगर लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया है तो गॉड ब्लेस यू, और नहीं दबाया तो प्लीज दबा दीजिए और हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट और एनकरेज कीजिए। रिव्यू को सिद्धार्थ और रश्मिका के फैन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिलहाल के लिए मैं जैसन रवि विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया और जय हिंद। अमनदीप अजीत पाल सिंह साइनिंग ऑफ।